अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना असलम। आज आप लोगों के साथ मैं एक नई रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बना रहे हैं रस मलाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बताएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, आपके प्यार की मोहब्बत की मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चलें चलते अपनी रेसिपी की तरह। देखेंगे, मैंने सूखा हुआ दूध ले लिया है, मिल्क पाउडर डाला है, ये मैंने घी लिया है, और ये पिस्ते, ये बादाम है, ये बेकिंग सोडा है, ये इलायची पाउडर है, ये मैंने अंडा फेंट लिया है। ये हम बना रहे हैं सूखे हुए दूध से बना रहे हैं हम रस मलाई। ये समझे कि 1 कप के करीब मैंने ये दूध लिया है। इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे बस, हमें खुशबू के लिए थोड़ा सा ये ऐड करना है ताकि इसमें खुशबू अच्छे से आ जाए। टीस्पून हम ये बेकिंग सोडा डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे, बस काफ़ी है। ये हमने डाल दिया है, इसमें हम घी डाल देंगे। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे, देखेंगे हमें कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से फिर हम इसमें डालते रहेंगे। पहले इसको सही से हमें मिक्स करना है अच्छे से। देखिए हम इसमें अंडा डालेंगे, 2 टीस्पून डाल दिया। अब हम इसको देखेंगे, हमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम ये अंडा भी ऐड कर देंगे, थोड़ा घी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें इसका डो तैयार करना है। इसमें घी और डालेंगे, से 4 चम्मच टीस्पून आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से इसका हमें डो तैयार करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये अच्छे से बनेगा तो फिर हमारी अच्छी सी बनेगी ये रेसिपी बनेगी। इसको और बन लें। देखा, मैंने इसमें पानी नहीं डाला, ये ऑयल घी से और हमने अंडे से इसको बनाया इसका डो। हमारा डो तैयार हो गया। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूंगी, थोड़ा कवर कर दूंगी इसको, फिर 5 मिनट के बाद हम इसको बनाएंगे। आप इतने बड़े बना लें, क्योंकि जब हम इसको उसमें दूध में डालेंगे तो ये फूल जाएंगे। मैंने इतने बड़े साइज की बनानी है। आप हाथ पे वो लगा लें, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, इसको बनाइएगा। अब मैं इसको ये 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम इसको अभी रखेंगे।
बॉयल होने लग गया, हम इसमें चीनी डाल देंगे, एक थाली से थोड़ी सी कम डाल देंगे मैं। ये हम इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें, हम इसको बॉयल आने देंगे, इसको पकने देंगे हम अच्छे से। ये आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, इसको बनाइएगा। देखिए माशाल्लाह हमारे डिश में बॉयल आ गया, ये अच्छे से पक रहा है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमारा, अच्छे से ये पक जाए फिर हम ये शामिल करेंगे इसमें। अभी इसको हम पकने देंगे, हम थोड़े बादाम इसमें डाल देंगे, थोड़े गार्निश में डालेंगे, थोड़े हम वैसे डाल देंगे ताकि थोड़ा सा गोभी भी पक जाए। ये थोड़ा सा पेस्ट है, ये हम थोड़े से डाल देंगे, थोड़े इसमें डाल दिए, थोड़े प्याज डाल देंगे गार्निश करने के लिए, इसको थोड़ा मैं पकने दूंगी। ये माशाल्लाह हमारा दूध अच्छे से पक रहा है, थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाए, ये हो गया है गाढ़ा काफ़ी, थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बस मैं इसको 2-3 मिनट और पकाऊंगी फिर हम इसमें ऐड कर देखेंगे। हमारा अच्छे से पक गया, हम इसमें ये ऐड डाल देंगे बिस्मिल्लाह। हम एकदम इसको स्लो पैन पे पकाएंगे, स्लो आंच पे हम इसको थोड़ा पकाएंगे अभी ताकि ये अच्छे से थोड़ी फूल जाए, स्लो स्लो अगर हम आज से नहीं करेंगे। देखिए हम इसको पकने देंगे थोड़ा, ये देखिए माशाल्लाह देखें ये पक पक के ऊपर आ गया, देखिए इसका साइज देखिए आप लोग, ये फूल के देखें आप लोग कितनी अच्छी सी हो गई, देखें कितना प्यार से इसका कराया गया, देखें ये रेडी हो गई है हमारी। जब ये पक जाती ना, ये जब फूल जाती ना, ये ऊपर आ जाती है, देखिए आप लोग ये ऊपर आ गई है सारी की सारी, देखिए और माशाल्लाह टूटी भी नहीं है, कितनी अच्छी बनी है। बस हम इसको अब डिश आउट कर लेंगे, इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद इसका। ये देखें ये मैंने डिश आउट कर लिया, आप लोग देखें कितनी अच्छी बनी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर हमें आप लोग बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। सब अल्लाह हाफिज़।